बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। वी आर डूइंग यूनिट नंबर 6 ऑफ साइंस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड वी हैव लर्न्ड अबाउट मैटर, इट्स स्टेट्स एंड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एंड नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। येस्टरडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, एंड टूडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। Let's start. Question number 5 is, why is it not a very good idea to use aerosol sprays? Statement is, why we should not use aerosol sprays? And the answer is, aerosol sprays contain chemicals that could harm the environment when released into the atmosphere. Aerosol sprays have chemicals that are very dangerous, and if they are released into the atmosphere, इट कुड हार्म द एनवायरनमेंट। एरोसोल स्प्रेज में बहुत ही डेंजरस केमिकल्स होते हैं, और अगर वो एटमोसफेयर में मिक्स हो जाएँ तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सो वी शुड अवॉइड यूजिंग एरोसोल स्प्रेज। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, वाई इज इट नॉट अ गुड आइडिया टू डिस्पोज ऑफ ऑयल डाउन ड्रेन्स और इन टू लेक्स एंड रिवर्स? एंड द स्टेटमेंट इज कि हमें ऑयल को क्यों नालियों में या लेक्स में और रिवर्स में डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए? And the answer is, oil, fat and grease do not dissolve in water. They can block drains. They form a film on water and can harm wildlife and plants. Oil, fat and grease cannot dissolve in water, so they block the drains. क्योंकि oil, fat और grease ये चीज़ें पानी में dissolve नहीं होती, तो ये drains को block कर देंगी। Drains क्या है? पानी की नालियाँ। ड्रेन्स अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो उससे बहुत सा वेस्ट मटेरियल आगे नहीं जा सकेगा। एंड ऑयल फॉर्म अ फिल्म ऑन वाटर। ऑयल जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वो ऑयली फिल्म क्रिएट कर देता है पानी पे, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो के पानी में रहती है, एनिमल्स और प्लांट्स, उनके लिए ये हार्मफुल होगा। सो ऑयल शुड नॉट बी पोर्ड इनटू ड्रेन्स।